नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जहां पर आप ढेर सारी टेक्निकल चीजों के बारे में वीडियो देख सकते हैं। मेरा नाम है सुशील और आज मैं आपको बताऊंगा रूफस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके विंडोज 7 बूटेबल यूएसबी ड्राइव कैसे बनाएं। आज आप यहां सीखेंगे रूफस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सबसे आसान तरीके से बूटेबल यूएसबी ड्राइव कैसे बनाएं। क्रोम ब्राउजर ओपन करें और सर्च करें डाउनलोड रूफस फॉर विंडोज 7। रूफस सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें, रूफस सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें। यहां पर है रूफस 3.12। आपके डाउनलोड फोल्डर में जाएं। रूफस 3.12 exe को डबल क्लिक करें और रूफस सॉफ्टवेयर चलाएं। अब आपका यूएसबी ड्राइव सिलेक्ट करें। बूट सिलेक्शन ड्रॉपडाउन मेनू में डिस्क और आईएसओ इमेज सिलेक्ट करें। सिलेक्ट बटन क्लिक करें और आपकी विंडोज 7 आईएसओ फाइल का पाथ दें। पार्टीशन स्कीम में एमबीआर एंड टारगेट सिस्टम में बायोस सिलेक्ट करें। वॉल्यूम लेबल बॉक्स में आपके यूएसबी ड्राइव को सही नाम दें, जैसे कि विंडोज 7 एंटरप्राइज और विंडोज 7 प्रोफेशनल। स्टार्ट बटन क्लिक करें, ओके सिलेक्ट करें। दोस्तों, रूफस सॉफ्टवेयर की प्रोसेस पूरे होने वाली है। प्रोसेस पूर्ण करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। आपकी बूटेबल यूएसबी ड्राइव अब तैयार है और हम इसका उपयोग विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, क्योंकि हम इस तरह के और भी टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल पर शेयर करने वाले हैं। धन्यवाद।